हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाएं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, न सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये जो है 3500 BC से लेके 2500 BC के बीच में जो है इसका एग्जिस्टेंस माना जाता है और ये एक ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि 1921 में इसकी खोज की गई थी। और ये जो है सिंधु नदी के किनारे या इंडस रिवर जो है उसके किनारे बसी हुई थी। सिविलाइजेशन जो है नदियों के किनारे इसलिए बसती थी क्योंकि उनको पानी मिल जाता था, ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहता था नाव वगैरह से, और ताकि सामान वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सके। और उनको जो है ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता था उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए जो नदियाँ हैं उनके किनारे ही सभ्यताएँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। इसके जो मुख्य जो साइट्स हैं वो है धोलावीरा, रंगपुर, रोजरी, लोथल, सरकोटड़ा, कुंतसी, पदरी जो गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, भगवानपुरा बनावली हरियाणा में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, आलमगीरपुर यूपी में है मेरठ के पास, और मोड़ा जो है वो जम्मू में है। यहाँ सिर्फ एक ही साइट है ये जम्मू में। और इसका यूनिक फीचर जो है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी यानी ये एक शहरी जो सभ्यता थी। ये इसका जो है मैप है कि ये कहाँ तक फैली हुई थी, तो यहाँ पे ये सुरका टोडरा से ये जो है इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ धोलावीरा है गुजरात में, कालीबंगन वगैरह, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो ये मैप जो है आप एक बार अच्छे से पॉज करके और इसे देख लीजिए। वैसे मैप पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी साइट्स जो है वो कहाँ कहाँ है और किस किस एरिया तक ये जो है फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता जो है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में डिवाइडेड थे। ऊपरी भाग जो है वो छोटा था और निचला भाग जो है वो बड़ा था। तो ऊपर वाले भाग को जो है सिटाडेल बोलते हैं यानी कि दुर्ग या गढ़, और जो लोअर पार्ट है उसे जो निचला भाग है वो जो है शहर है जहाँ पे आम जनता रहती थी। और ऊपरी भाग में जो है इनके जो शासक वर्ग था वो रहता था। और यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स मिली हैं जैसे कि ध्यान रखने के जो अन्न गृह है और बड़ा जो स्नानागार है। सिटाडेल जो है उसमें वेयर हाउस और ग्रेट बाथ था। जो ग्रेनरीज हैं दे वर यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स विच गिव एन आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे कि हमें पता चलता है कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन का सिस्टम था वो बहुत ऑर्गेनाइज था। और ग्रेट बैथ जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों में काम आता था, जब लोग जो है एक साथ उसमें स्नान करके और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तैयार होते थे। उसके पास में जो है इसमें अभी भी जो है कोई लीकेज नहीं है, कोई क्रैक नहीं है। इसका जो फर्श था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था और इसमें जो है जिप्सम वगैरह का यूज़ किया गया था। ये जो है उनकी उन्नत टेक्नोलॉजी को दर्शाता है कि वो लोग जो है अपने समय से बहुत आगे थे। जो बड़ी बिल्डिंग्स जो मिली हैं वो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस सेंटर हैं। और उनके जो हॉल्स हैं उनमें पिलर वगैरह लगे हुए हैं, कोर्टयार्ड्स मिले हैं। जो लोअर टाउन है वो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था ताकि जो है लोगों की सिक्योरिटी के लिए कि दुश्मनों का आक्रमण वगैरह कभी ना हो, इसलिए वो परकोटा जो है चारों तरफ उसके बना हुआ था। और इनके जो है गेटवेज बने हुए थे ताकि अंदर आना जाना आसानी से हो सके, ताकि जो है और आक्रमण से भी बचा जा सके। और इनके घर जो है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में थे और रोड्स जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। यानी कि इनका जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा उन्नत था और नालियाँ वगैरह बनी हुई थी जो कि पक्की नालियाँ बनी हुई थी, ऐसा नहीं कि कच्ची नालियाँ बनी हुई हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये एक गेट जो दिख रहा है यहाँ पे दीवार के चारों तरफ। और ये जो है स्टैंडर्डाइज मड जो है उसकी ब्रिक्स यूज़ करते थे बिल्डिंग मटेरियल के लिए,
यानी कि उसको पहले पकाते थे, पकी हुई जो है ईंटें यूज़ करते थे। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ज़्यादा उन्नत था, और इनका जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है वो पक्की ईंटों से बना हुआ था, और ऊपर से जो है लूज़ ब्रिक से ढका हुआ था, ताकि उनको जो है पिट्स बने हुए थे, ताकि उनमें जो कचरा इकट्ठा हो जाए उनको आराम से क्लीन किया जा सके। और इनकी कभी भी नालियाँ जो है वो रुकती नहीं थी बारिश बारिश में, जैसे आजकल रुक जाती है अपने। तो इनका जो सिस्टम बहुत सही था। कहीं कहीं जो है चूने का भी उपयोग किया गया है इन नालियों को बनाने के लिए। और इनमें जो है धर्म को तो ये लोग मानते थे, लेकिन मंदिरों का कोई एविडेंस नहीं मिला है, मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि ये जीवित जो है देवी है उसकी पूजा करते थे। अब इनका जो आर्किटेक्चर है, जो लोअर टाउन था उनमें सब घरों में अपना अपना कुआं था, बाथरूम्स थे, और बाथरूम जो है अच्छे से स्ट्रीट ड्रेन जो नालियाँ हैं, गली की जो नालियाँ उससे जुड़ी हुई थी उसकी बाथरूम की जो नालियाँ हैं। और इनके जो है हाउस के सेंटर में एक कोर्टयार्ड होता था, जिसके चारों तरफ जो है कमरे होते थे। और ऐसा है कि मतलब कोर्टयार्ड क्योंकि सेंटर बताता तो शायद सारी एक्टिविटीज़ वहीं होती होंगी। और जो है इनमें ग्राउंड फ्लोर में कोई खिड़कियाँ नहीं पाई गई हैं। और ये उनकी जो है मूर्ति कला, और उन लोगों ने गहने बनाने गहने भी वो लोग बनाते थे बीड से और इन सब से। तो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे इनके कारखाने हुआ करते थे गहने बनाने के, जैसे लोथल में पाया गया है बीड्स के जो कारखाने हैं। और बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, इनसे पता चलता है कि वो जो है प्रकृति की पूजा करते थे, और इन लोगों के जो है ये गैंडे से भी परिचित थे। हाथी, बैल और घोड़ा, ये सब जो है इनसे ये लोग जो है परिचित थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की राजस्थान में जो साइट्स हैं वो है कालीबंगा, बरोर और करणपुरा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कालीबंगन के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के जो है इम्पोर्टेंट साइट है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग अपने सजेशंस जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।